सबसे पहले हमें चाहिए एक रेगुलेटर 7805, उसके बाद एक कैपेसिटर 10 वोल्ट 1000 UF, और एक कैपेसिटर जो है वो आपने 16 वोल्ट और 220 UF का ले लेना है। अब करना क्या है, हमें इसके साथ सोल्डरिंग करनी है। ठीक है, रेगुलेटर की जो फर्स्ट पिन होती है ये वोल्ट इन, सेकंड GND एंड थर्ड आउट। ठीक है, इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोनों कैपेसिटर की जो माइनस साइड है वो आपने मिडल में लगानी है। ठीक है, एक आउट पे और एक इन पे। इन पे आपने 50 वोल्ट का या 16 वोल्ट का कम से कम लगाना, या 25 का भी लगा सकते हैं, 16 से कम नहीं लगाना आपने, क्योंकि सोलर की जो वोल्टेज है आउटपुट की वो तकरीबन 12 से ऊपर है। नेक्स्ट आपने इस ऐसा करना है कि जो इसके साथ आपको बैकअप के लिए पावर बैंक लगाना है। पावर बैंक के लिए आपको करना पड़ेगा कि इसको ओपन करके आपने एक वायर जो है वो इसकी जो चार्जिंग पिन है वहाँ पे लगानी है, प्लस और माइनस, यानी इसका जो अपना चार्जिंग का जो स्लॉट है, ठीक है, उसके साथ प्लस और माइनस को जोड़ना है और एक वायर बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटर का जो हम आउटपुट है 5 वोल्ट का जो ग्राउंड है वो हम इसके इस चार्जिंग जैक में देंगे। ये मैंने जो एक्स्ट्रा वायर निकाली है ये इसकी पावर बैंक की अपनी एक लाइट है जिसे मैंने एक्सटेंड करके जो है वो वायर निकाल ली है। अब इसे फिट करते हैं और देखते हैं। वहाँ पे आपने सोलर लगाना है और आउटपुट पे आपको जो है वो प्लस की वायर लगानी है पावर बैंक की। एक वायर आपने इसके साथ जो है वो वायर निकाल लेनी है जिस पर हमने लगाना है एक बटन। ये हमारी एक वायर प्लस वाली, इस पे आ जाएगा बटन और माइनस को हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं इसके साथ। वायर हमने लगा ली है, अब इसको करना है इसके अंदर फिक्स और एक अदद हमने इसके साथ लगाना है बटन और इस लाइट को हमने यहाँ पे लगाना है।